दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 19 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 20वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आपको रोजाना टेस्ट देना है परीक्षा तक, और अगर आपने पिछले 19 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो परीक्षा नजदीक है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट देना है और पेपर के अनुरूप आपको डलना है। दोस्तों, अगर आपने पिछले ये मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों, पशु परिचर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास है वो शुरू की गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहां पे जाके भी क्लासेस जरूर देखें। दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो यहां पर दोस्तों दक्षिणतम अक्षांश पूछा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहां पर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? तो वह 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 3 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान की मुकुंद्रा पहाड़ियां हिस्सा है, राजस्थान की मुकुंद्रा पहाड़ियां हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है? दोस्तों, ये हिस्सा है विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कोटा बूंदी में है ये मुकुंद्रा की पहाड़ियां, तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। परीक्षा में 50 प्रश्न दोस्तों आपको राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्त है? तो दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्र है वो दोस्तों संरक्षित वन का है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों, ये है कहां पर? तो ये 12 में है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ है किन कारणों से होती है? पता है मावठ किन कारणों से होती है? तो दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर भूमध्य चक्रवात से होती है दोस्तों ये, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील को राजस्थान की दूसरी रामसर साइट आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? दोस्तों, एक केवला देव है तो दूसरी सांबर झील है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोटा जिले में स्थित नहीं है? दोस्तों, कोटा बांध कौन से जिले में स्थित नहीं है? सॉरी, कौन सा बांध कोटा जिले में स्थित नहीं है? यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, चाकन बांध बूंदी में है, तकली बांध, नवनेरा बांध और आलनिया बांध, ये तीनों कोटा में है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां पर आप देखिए, नहर का निर्माण सिंचाई सुविधाओं की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है, बिल्कुल सही बात है। नहर का निर्माण पीने के लिए उपयोग में लाने के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु किया गया है, बिल्कुल सही बात है। सिंचाई और पानी के लिए उपयोग किया गया है दोस्तों इसका जल। और देखिए, नहर का निर्माण संबंधित क्षेत्र को सूखे से बचाने के लिए किया गया है, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों इस नहर के बहुत ज्यादा लाभ है, ठीक है, सूखे से बचाने के लिए किया गया है इस नहर का निर्माण। 4th देखिए, नहर के पानी का उपयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पीने और सिंचाई के लिए इस नहर का उपयोग है वो किया जाता है, यहाँ पे औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता। अपने को बताना था इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में असत्य कथन है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला दोस्तों एक तो बाड़मेर है और एक जालौर है, तो यहाँ पे बाड़मेर सर्वाधिक लाभान्वित जिला है,
जालौर ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ सूची फर्स्ट में जिला दे रखा है, सूची फर्स्ट में जनसंख्या घनत्व दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जोधपुर जिले का घनत्व कितना है दोस्तों, इनमें से जो सबसे कम है वो ही जोधपुर जिले का दोस्तों क्या है, घनत्व है। तो दोस्तों देखिए, जोधपुर जिले का 161 घनत्व है, ठीक है, और जनसंख्या घनत्व है। और कोटा जिले का कितना है, तो कोटा जिले का है दोस्तों 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, यानी कि कोटा का घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 374 है। अजमेर का घनत्व है वो दोस्तों 305 है, और भरतपुर का है दोस्तों 503। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डी सी बी ए अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही कूटभाषा में। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही। तो उच्चतम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, ये रही थी उच्चतम 1971 से 1981 में, ये दशक में जो वृद्धि दर है जनसंख्या दर वो दोस्तों सर्वाधिक रही थी। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई। तो दोस्तों राज्य सड़क नीति की घोषणा है वो 1994 में की गई, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। कौन सी तिलहन की फसल है राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरसों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सरसों। आगे देखिए, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अंतावारा में, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अंतावारा। आगे देखिए, खान और भू विज्ञान निर्देशालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है उदयपुर में, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है। पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है दोस्तों कृष्णा मिल, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कृष्णा मिल। आगे देखिए, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है कालीबंगा, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कालीबंगा सभ्यता से। 19 नंबर का प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है। तो दोस्तों वो है विराटनगर, जिसको अपन बैराट के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। तो दोस्तों नहीं किए, किसने नहीं किए, तो दोस्तों रणथंभौर के राव सुरजन हाडा ने दोस्तों अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, बाकी आमेर के भारमल, जैसलमेर के हर्राय भाटी और बीकानेर के राव कल्याणमल इन्होंने किए हैं दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है, भरतपुर शहर की स्थापना किसने की। दोस्तों ये की थी महाराजा सूरजमल ने की थी दोस्तों, राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसके स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। यहाँ पर देखिए, अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन के लिए, यानी कि उसके स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था राम सिंह द्वितीय के द्वारा, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उस समय शासक था ये। आगे देखिए, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयदयाल और मेराब का, तो यहाँ पर दोस्तों जयदयाल ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, यह आंदोलन 1857 में प्रारंभ हुआ, गलत हो जाएगा, ये 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 कर लगाए थे, ये दोस्तों गलत है, इसमें एक ही सही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है गोविंद गिरी ने, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, 1947 में
स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भरतपुर में। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये यूपी में मिलना चाहते थे दोस्तों, भरतपुर और धौलपुर। आगे देखिए, यहाँ पे अजमेर मेरवाड़ा के विलय के साथ राजस्थान राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष में पूर्ण हुई? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 1956 के अंदर ये एकीकरण की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई थी। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की। तो दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह भारत ने की थी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन थे? तो दोस्तों कौन थे, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों दयालदास। कौन थे? दयालदास। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, चेतावनीरा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? दोस्तों ये की गई केसरी सिंह भारत द्वारा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों संत हरिदास थे। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जसनाथ जी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जसनाथ जी। आगे देखिए, स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है ये बोरला। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह जिला बाई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अल्लाह जिला बाई। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वे कौन से लोक वाद्य यंत्र के सबसे बड़े प्रवक्ता थे? साकर खान, नाम तो सुना ही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ये कामायता वादक थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सही सुमेलित कीजिए दोस्तों। देखिए, जसनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों कतरियासर बीकानेर में है। ठीक है, शीतला माता का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों चाकसू जयपुर में है। जाम्बो जी का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों मुकाम नौका में है। और जीण माता का मंदिर कहाँ है? तो रेवासा सिक्कर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-2-3-1, 4-2-3-1, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया, इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों बताइए, इस मंदिर का निर्माण कौन से पत्थर से किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है जैसलमेर के पीले पत्थर से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर गलत दे रखा है दोस्तों, ये करौली में पड़ता है। कहाँ पर है? करौली के अंदर। तो यहाँ पर है, इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं है। रामदेव पशु मेला नागौर में पड़ता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष संविधित हुआ? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम किस वर्ष में संविधित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 1984 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1984 में। आगे देखिए, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बाड़मेर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाड़मेर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है? दोस्तों मेहरानगढ़ किला है ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों। ये यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में है। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें कुंभलगढ़। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कुंभलगढ़। आगे देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है ये पूछा है। कौन सा किला
विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें अच्छा प्रश्न है, देखिए जैसलमेर का किला भी है, चित्तौड़गढ़ का किला भी है और कुंभलगढ़ का किला भी है, तीनों ही है। तो यहाँ पर कुटबा समय उत्तर देना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, 1, 2, 3 इसमें तीनों ही सही है। आगे देखिए, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मुख्यमंत्री, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है? देखिए बम नृत्य है वो भरतपुर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। गिंदर नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। गैर नृत्य मेवात इसमें गलत दे रखा है दोस्तों, ये गैर नृत्य है, ये मेवाड़ में किया जाता है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, गिंदर नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों ये गिंदर नृत्य है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र है, किसे कहते हैं? 100 टापुओं का क्षेत्र कहते हैं दोस्तों बांसवाड़ा को, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बनास संस्कृति किसको कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वो है आड़ संस्कृति को, बनास संस्कृति भी कहा जाता है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? दोस्तों इसका राइट आंसर है यह है प्रताप नामक समाचार पत्र से पूरे भारत में ये फैल गया था, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा हुआ होता है? तो बताइए कौन से वाद्य यंत्र की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रावण हत्था, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों अब अपन है वो जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन सा है? भौतिक परिवर्तन में दोस्तों नई वस्तु प्राप्त नहीं होती, यानी कि नई चीज है वो नहीं बनती। तो यहां पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण से नई वस्तु बनती है, ठीक है, ग्रहण करते हैं दोस्तों पेड़ पत्ती। आगे देखिए, कोयले का जलना भोजन का पाचन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, तो आप फ्रिज में रख दोगे तो वापस बर्फ बन जाएगी, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है, पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, बताइए दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं कि धातुओं की घटती हुई रासायनिक प्रतिक्रियाशील के आधार पर दोस्तों धातुओं की गतिविधि है वो दोस्तों सक्रिय श्रेणी में होती है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सक्रिय सक्रियता श्रेणी। नेक्स्ट आगे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम की बात करूं तो वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, तो यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसका दोस्तों सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है, देखिए किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है? किस अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है? तो वो है दोस्तों अपचयन से, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपचयन से। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसका उत्पाद है? अवक्षेपण अभिक्रिया किसका उत्पाद है? तो दोस्तों ये उत्पाद है अघुलनशील लवण का, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है, सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गैलियम, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गैलियम
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है। देखिए अभिक्रिया दे रखी है सी यू ओ प्लस एच टू से। दोस्तों यहाँ पर देखिए सी यू प्लस एच टू ओ के लिए सही कथन है वो कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और दोस्तों जल बन रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट, इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर देखिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कल परसों भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण है दोस्तों व्यतिकरण कारण है इसका, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये व्यतिकरण के सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रिज्म आपतित सफेद प्रकाश को 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त कर देता है, इस पट्टी के मध्य का रंग क्या है। दोस्तों प्रिज्म में आप सभी को पता है कि 7 रंग होते हैं, जिसमें इनका अगर मैं क्रम की बात करूं तो दोस्तों बैंगनी नंबर एक, फिर दो नंबर दो पे नीला, नंबर तीन पे आसमानी, नंबर चार पे हरा, नंबर पांच पे पीला, नंबर छह पे नारंगी और नंबर सात पे लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हरा है वो मध्य में है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है। बताइए प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें परावर्तन, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परावर्तन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, देखिए किसका प्रमुख कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्रियान्वयन करना है। किसका प्रमुख कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्रियान्वयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेरुरज्जु का, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी है। ठीक है, बताइए कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है अग्नाशय, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अग्नाशय। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। बताइए कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए थायराइड उत्तेजक हार्मोन ये किया जाता है, पोलेक्टिन भी किया जाता है, वैसोप्रेसिन भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन ये नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प अपने को यहाँ पर चुनना है, सही विकल्प अपने को यहाँ पर चुनना है। तो दोस्तों देखिए त्रिगुणसूत्रता ये दोस्तों पटाव सिंड्रोम हो जाएगा, और त्रिगुणसूत्रता 18 ये एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा, और त्रिगुणसूत्रता 21 ये डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों 2-3-1, 2-3-1, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहा जाता है किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जी जे मेंडल।
आगे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यह भी बताया था मैंने आपको, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, नगर निगम के कचरे में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किसका उपयोग बायोमास के रूप में किया जा सकता है? बताइए किसका उपयोग बायोमास के रूप में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रसोई का कचरे को, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कचरे का उपयोग मीथेन बूस्टर के रूप में किया जाता है, बताइए कौन से कचरे को मीथेन बूस्टर के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है औद्योगिक कचरे को, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोई रासायनिक परिवर्तन में शामिल हो सकता है, कोई रासायनिक परिवर्तन में शामिल हो सकता है? तो दोस्तों देखिए, केवल रंग में परिवर्तन, केवल तापमान में परिवर्तन, केवल गैस का विकास, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन रक्त के संदर्भ में असत्य है? कौन सा कथन रक्त के संदर्भ में असत्य है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए रक्त लाल सहवनी संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही बात है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, यह शरीर के बाहर का लगभग 17 से 18 प्रतिशत होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये शरीर के बाहर का दोस्तों 7% रक्त होता है, तो यहां पर अपना 17 से 18 है वो गलत दे रखा है, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फैटी यकृत होता है, फैटी यकृत होता है, तो दोस्तों ये क्वासी और कौर में होता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, और यह प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होता है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यही होता है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, देखिए क्वासी योरकोर, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, अब अपन कुछ प्रश्न है वो दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गिरिराज सिंह ने, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय वस्त्र मंत्री है श्री गिरिराज सिंह, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आयोजन किया जाएगा दोस्तों कहाँ पर है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए कुल वार्षिक आवंटित राशि के कम से कम कितने प्रतिशत की अनुशंसा की जानी चाहिए? तो कम से कम कितने प्रतिशत की अनुशंसा की जानी चाहिए? तो दोस्तों 20% की अनुशंसा है वो की जानी चाहिए, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 79 नंबर का प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों उनका नाम है M.S. रामचंद्र राव, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है नई दिल्ली में, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? तो दोस्तों किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल को दोस्तों समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 82 नंबर का प्रश्न है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है?
एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है रणधीर सिंह। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रणधीर सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंक क्या है, तो भारत की दोस्तों इसमें तीसरी रैंक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया दोस्तों राजनाथ सिंह ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजनाथ सिंह ने। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री यानी कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया है किसने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मनोहर लाल खट्टर ने। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, CERT। ठीक है, तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन कुछ प्रश्न है वो मैथ से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का योग 1025 है, तो वे संख्याएं हैं। तो दोस्तों ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1025। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक संख्या पहले 20% से कम की जाती है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है यानी कि 80 कर दी जाती है। ठीक है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों 80 में आप 80 का 20% और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 96। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो दोस्तों मूल संख्या है वो क्या है? तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन उठा के देख लीजिए, ज्यादा कुछ खास करने की दोस्तों इसमें जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने ऑप्शन उठा लिया यहाँ पे 500 उठा लिया। ठीक है, तो पहले 20% कम की जाती है यानी कि 100 कम कर दिया। ठीक है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है यानी कि 400 है, 400 में 20% बढ़ा दीजिए, तो दोस्तों 400 का 20% कितना होता है, 80। ठीक है, तो फिर भी दोस्तों 20 कम हो रहा है, तो यहां पर देखिए परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो बिल्कुल है, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि एक को 20 से 25% अधिक वेतन मिलता है, ठीक है, यानी कि इसको 125 मिलता है तो इसको दोस्तों कितना, 100 मिलता है। ठीक है, तो देखिए, तो बी को ए से कितने प्रतिशत कम वेतन मिलता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें अपन क्या करेंगे, तो 25, अंतर कितने का है, 25 का ही है, 25/125×100 काट लीजिए, ये 25 से 4 बार कट गया, ये 25 से 5 बार कट गया, ये 5 से दोस्तों 5 बार कट गया, तो 5×20। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 89 नंबर का प्रश्न है, एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य में अपना माल बेचता है, लेकिन 1 kg वजन के लिए 900 g के वजन का उपयोग करता है, यानी कि 1 किलो के स्थान पर वो 900 g ही तोलता है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पर उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो दोस्तों 100 g/900×100। ठीक है, बस काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 100 में 9 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा, 11 सही, 1/9% लाभ होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 90 नंबर का प्रश्न है, एक लड़के ने 3 घंटे में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी तथा सभी चॉकलेट को 2 में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। दोस्तों रुपए कितने हैं, तो दोस्तों 3 रुपए में 15 चॉकलेट की दर से चॉकलेट खरीदी, यानी कि 3 में 15 चॉकलेट खरीदी 3 रुपए में। ठीक है, और 2 रुपए में 3 चॉकलेटें बेच दी। ठीक है, तो अब दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां पर देखिए
तीस तीनतिया नौ और 15 दूनी 30, ठीक है। तो 30 अनुपात है दोस्तों यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 30 में से 9 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों 21 है। तो यहाँ पे 21/9 × 100 कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है 233, सही 1/3%। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लाभ होगा यहाँ पे 233, सही 1/3% लाभ, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों सीधा सा है, यहां पर बात हो रही है कितने प्रतिशत की, 100% की, तो दोस्तों यहाँ पे 100% की दर से 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, तो यहां पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए है, इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं साधारण ब्याज है वो अपने को यहां पर ज्ञात करना है, और दोस्तों यहां पे देखिए चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए दे रखा है। तो दोस्तों अब इसके अंदर देखिए, जब 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो दोस्तों अपने को यहाँ पे मालूम है, ठीक है, 328 रुपए है। तो यहां पर दोस्तों साधारण ब्याज बराबर 200 × चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, 200 × चक्रवर्ती ब्याज बटे 200+ दर, ठीक है, तो 200+ दर, तो दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज दोस्तों 328 हो जाएगा। अब बस इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 × 328 बटे 200+5, तो यानी कि दोस्तों इनको इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है फिर भाग दे दोगे 205 से, तो इसमें 320 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, देखिए, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए, और उन दोनों से ब्याज के रूप में 4500 रुपए प्राप्त किए, प्रति वर्ष ब्याज दर है, तो दोस्तों ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए कैसे निकालोगे, तो 6500 × यहाँ पे समय कितना है 2 वर्ष का, दर कितनी है, तो दोस्तों दर दे नहीं रखी, ठीक है, बटे आर, सॉरी 6500 × 2 × r/100, एक तो ये हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा दोस्तों इसमें 8000, ठीक है, समय कितना दे रखा है 4, तो इंटू 4 × दर देनी रखी बटे 100, बस इसी को ही आपको सोल्व करना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों इसमें कितना 10%, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक साथी ने एक बैंक में 825 रुपए जमा किए जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था, यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी, बताइए। दोस्तों यहां पर देखिए मूलधन दे रखा है 825, दर दे रखी है दोस्तों 8% और समय दे रखा है 5 वर्ष, तो साधारण ब्याज अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 825 × 8 × 5/100, बस यही करना है और कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 330, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि ए अनुपात बी 4:5 है, बी अनुपात सी 6:7 है, तो ए अनुपात सी का मान है वो क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों ए अनुपात, बी अनुपात और सी, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4:5 ये हो जाएगा और बी और सी का हो जाएगा दोस्तों 6:7, तो यहाँ पर देखिए 6×6=24 और 6×5=30 और 5×7=35, तो यहाँ पे 24:30/35, ठीक है, तो अब इसको देखिए ये अनुपात रहेगा, तो यहाँ पे ए और सी का अनुपात पूछा है, तो ए का 24 और सी का 35, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, 12 और 30 का तृतीय अनुपाति ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों 12 और 30 का तृतीय अनुपाति अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 12 अनुपात 30 समानुपात 30
अनुपात एक्स अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 12 का उसमें भाग दे दीजिए, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पे 30 × 30/12 कर लीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 75। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। सीधा सा है, 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना जाएगा दोस्तों, 480। जब शिक्षक की आयु को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी दोस्तों, सीधा सा है, यहाँ पे 41 × औसत आयु 1 बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसमें 13। तो 41 × 13 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 533 है, और 533 में से 480 घटा लीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितना, 53 वर्ष। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, एक समूह है कि 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या कर दिए, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, जबकि समूह है कि सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13 × 17 कर लीजिए, कितना आएगा तो दोस्तों 221। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों 8 संख्याओं का जो योग है वो कितना आएगा, सीधा सा है, यहाँ पे 75 में से 221 घटा लीजिए, कितना आएगा तो दोस्तों ये आएगा 146, और 146 में 8 का भाग दे लीजिए दोस्तों, आपका औसत निकल कर आ जाएगा 18.25। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, 2 संख्याओं का योग 98 है और उनका मैशअप है 14 है, ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 14x और 14y अपन इसको लिख सकते हैं, माना संख्याएं है। ठीक है, तो इसको दोस्तों देखिए, 14x + 14y = 98, तो यहाँ पे 14 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो 14x + y = 98, तो x 98 में दोस्तों 14 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x + y कितने हैं, 7 है, तो इसको युग्मों की संख्या पर ज्ञात करें तो दोस्तों 1 और 6 हो जाएगी, दूसरी 2 और 5 हो जाएगी, तीसरी है वो दोस्तों 3 और 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 96 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है, ऑप्शन के अनुसार आप ज्ञात कर सकते हैं। लेसअप है दोस्तों यहाँ पर 96 दे रखा है, ठीक है, और अनुपातों का योग है वो 3:2 है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, तो 96 में 16 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, सॉरी 96 के अंदर 6 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 16। तो x बराबर इसमें आ जाएगा कितना, 16। तो यहाँ पर अपना इसमें x को x आगे 16, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगी दोस्तों 48, और 1 हो जाएगी दोस्तों 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 48 और 32 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन कुछ प्रश्न है वो पशुपालन से संबंधित कर लेते हैं, बाघ बैकी। देखिए, पशुओं में किस प्रकार के दांत जन्म से मृत्यु तक एक ही बार आते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है चर्वणक यानी कि मोलर, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पानी में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए, पानी में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 70% से कम नहीं होनी चाहिए, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंडे खाने से निम्नलिखित में से प्राप्त नहीं होता है, क्या प्राप्त नहीं होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है अल्कोहल प्राप्त नहीं होता है, बाकी लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, 105 नंबर का प्रश्न है, स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु किस प्रकार का दुहाई बर्तन सर्वोपरि होता है, तो किस प्रकार का दुहाई बर्तन सर्वोपरि होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है दूध निकालने वाली बाल्टी, तो यानी जिसको अपन बोल सकते हैं डोम्ड बुकेट, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा डोम्ड बुकेट। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य दुर्लभ गंगा डॉल्फिन मगरमच्छ और घड़ियाल एलिगेटर के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों इसमें राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इसको छोड़ दीजिए। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दूध के प्रोटीन जो बर्तनों की सतह पर चिपक जाती है कहलाती है, तो दोस्तों उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं मिल्क स्टोन। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ करती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 सप्ताह में, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्न में से किसके पाचन के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो वो है दोस्तों सेल्यूलोज, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सेल्यूलोज। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ओलिव रिडली समुद्री कछुओं के लिए संभोग और घोंसला बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्राकृतिक स्थान है, तो वो है दोस्तों गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न है, मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में दो मंजिले पिंजरे की ऊंचाई होती है, तो दो मंजिल पिंजरे की ऊंचाई कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 फीट, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए स्तन ग्रंथि से प्रथम स्राव होने वाले दूध को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको खीस बोलते हैं, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खीस बोलते हैं। आगे देखिए गाय और भैंस में नाड़ी दर का मापन किया जाता है, गाय और भैंस में नाड़ी दर का मापन किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोक्सीजियल धमनी, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोक्सीजियल धमनी। आगे देखिए कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां है दोस्तों, कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां, प्रशिक्षण की आवश्यकता, कृत्रिम योनि खर्चीली होती है, पशु को गर्भित करने में समय लगता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है, निम्न में से दुग्ध प्रोटीन केसीन है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए खून चूसने वाली जुएं किन पशुओं में पाई जाती है, तो दोस्तों ये बकरी ऊंट भेड़ तीनों में पाई जाती है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं तो किसके द्वारा, तो दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है, तो दोस्तों ये होता है 4 से 5%, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस उम्र में बछड़े को ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया जाना चाहिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 6 महीने में, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दुग्ध दोहनशाला में बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों वो है इसमें सूक्ष्म जीवों को मारना, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, तो दोस्तों वो झटपट्टी कहलाती है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण हेतु बाह्य स्थान संरक्षण विधि है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण हेतु बाह्य स्थान की संरक्षण विधि है, तो दोस्तों वो है इसमें बीज संग्रहण, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान होता है, तो दोस्तों वो तापमान होता है 22 डिग्री सेल्सियस का, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए मासाई समाज में वरिष्ठ जन का क्या कार्य होता है, वरिष्ठ जन का कार्य होता है दोस्तों शासन चलाना और फैसले लेना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पिनिंग फीवर रोग का जनक है, तो दोस्तों इस रोग का जनक है पास्चुरेला आर्विस, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, पास्चुरेला बोबी सेप्टिका, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस पशु के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है, तो सर्वाधिक लैक्टोज दोस्तों ऊंटनी के दूध में पाया जाता है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए, तो दोस्तों ये पूर्व पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए पशुओं में दो मध्यकाल के बीच की अवधि कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य चक्र कहलाती है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य चक्र। आगे देखिए छोटे थन वाले पशुओं में दूध की आखिरी धारों को निकालने के लिए काम में ली जाने वाली विधि है, तो वो कौन सी है, तो वो है चुटकी विधि, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए संकरित वर्ण की भेड़ अविकालीन की विशेषता है, संकरित वर्ण की भेड़ अविकालीन की विशेषता है वो कौन सी है, यह मालपुरा टोंक में विकसित की गई है, बिल्कुल सही है, इसने 6 माह में 1.13 किग्रा ऊन प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, इसका शारीरिक वजन 25 किग्रा है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा,
डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राय का समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों राजस्थान से है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सही उत्तर। आगे देखिए, एस्केरियोसिस रोग में दी जाने वाली दवा है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों देखिए, थायोमेंडाजोल, मेबेंडाजोल और पिपेरोजिन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, दुग्ध शर्करा है, दुग्ध शर्करा कौन सी है? तो वो है लैक्टोस, लैक्टोस है वो दुग्ध शर्करा है, यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर प्रश्न है, तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग की भैंस की नस्ल है तो वो कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सी बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भदावरी, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? मानव आहार नली का भाग वायु कोशिका नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट आगे देखिए, रेडन पेस्ट रोग किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों ये रोग है, ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है, कुक्कुट पॉक्स, तो दोस्तों ये विषाणु जनित रोग है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये इसका मूल स्थान हॉलैंड है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं में होने वाला खुरपका मुहपका रोग के रोग कारक है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वायरस, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बड़ा आकार ऊंचा कद रोमन नाक बड़े लटके कान वह पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? तो वह है जमनापुरी की, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरक्षित वन है किसके उत्पादन के लिए विशेष रूप से संरक्षित किए गए थे? सही उत्तर हो जाएगा वो है कीमती लकड़ी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंडों में मछली जैसी गंध है किसके कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है इसेरिचिया कोलाई के कारण होती है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरसों के कारण होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा MFD, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, गलगोटू रोग का टीका किस माह में लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलगोटू रोग का टीका है ये दोस्तों मई जून माह में लगाया जाता है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दूध में कौन से दो विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए ए और डी, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जर्सी नस्ल के सांड उत्पादन हेतु राजस्थान में एकमात्र विदेशी पशु प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है बस्सी में, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन है गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है? गाय की दुधारू प्रजाति कौन सी नहीं है? तो वो है नागौरी, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गोवंश के पशुओं में होती है, गोवंश के पशुओं में होती है, तो दोस्तों 13 जोड़ी पसलियां होती है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 13 जोड़ी पसलियां। आगे देखिए, अग्रपाद में नहीं पाए जाने वाली अस्थि है तो वो कौन सी है? तो वो है मेटाटार्सल्स, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।